हेलो मेरे प्यारे डॉक्टर राधा का नमस्कार कैसे हो आप सब एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद कैसे चल रही है बच्चा, नीट की तैयारी रंग रंग हाथ में उसमें से धूल धूल टाइप की फूल को छूने से ऐसे बहुत सारे फूल्स को छूने से बेटा वो हैं ग ग्रेन्स पढ़ेंगे हम बट स्टार्ट करने के पहले अपना मोटो याद रखेंगे वी एम वी वर्क हार्ड एंड वी लेट्स वर्क हार्ड क्या लिखा है पॉलग्रेन एंड दे आर मेल गैमिटो वो जो हैं उनके अंदर गैमिट्स रहते हैं ग्रेन के अंदर वो भी मेल गैमिट्स कितने so, तो सारे डिजाइन के हैं ये कितने सारे कलर कलर के डिजाइन डिजाइन के और भी बहुत सारे ये अपनी एनसीईआरटी के डायग्राम है ठीक है सो so, दीज आर मेल गैमिटो फाइट्स ऑफ एंजियस पम्प फ्लावरिंग प्लांट्स क्योंकि ग्रेन तो क्या बोलते हैं में 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 बनता बनता बनता। है है, है? और और भी ठीक नहीं हम यहां पढ़ रहे हैं sexual reproduction in अच्छा, इतने सारे तरीके के पॉलन है कैसे पता चला हमने माइक्रोस्कोप में देखा सबकी स्ट्रक्चर देखे फिर तो जाने ना ठीक है so, सो जो इनकी पढ़ाई की गई और जो करते हैं ग्रेन्स की पढ़ाई उस पढ़ाई को बोलते हैं पेलिनोलॉजी पेलिनोलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट पॉलिन लेकिन सिर्फ प्लांट पॉलिन की स्टडी नहीं है ये स्पोर्स की स्टडी जैसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स फॉर्म होते हैं है ना जैसे फंगस में ही हो गया बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है ठीक है एंड सर्टेन माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटोनिक ऑर्गेनिजम्स प्लैंकटॉन किसको बोलते हैं बेटा जो पानी की सतह पर फ्लोट करता है जो खुद से तैर नहीं सकता पानी उसे बहाता रहता है इधर से इधर है ना फ्लोट करते रहते हैं पानी के ऊपर हम लोग देखते हैं ना पानी के ऊपर ऐसे एलगी वेलगी जमा रहती है बेटा बैक्टीरिया एलगी प्रोटोजा है ना और बहुत सारे ये लोग क्या है बेटा प्लैंकटॉन्स हैं जो पानी की सतह पर ऐसे तैरते रहते हैं कई अंडे मछली उछली के है ना सो दीज आर प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स एंड जो माइक्रोस्कोपिक है जिसको सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं उसकी स्टडी करना ठीक है और क्या क्या हो गया प्लांट पॉलिन स्पोर्स और माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटॉन्स की ठीक है इनकी स्टडी करना वो भी लिविंग इन फॉसिल बोथ फॉर्म्स आज वो जिंदा है चाहे वो पूरा जन्मों से फॉसिल बन के बैठे हुए चुपचाप से हम्म ठीक है तो फॉसिल और लिविंग दोनों फॉर्म्स में हम स्टडी कर रहे हैं इसको बोलते हैं बेटा पेलिनोलॉजी क्योंकि पेलिनोस मीन डस्ट होता है छोटी छोटी चीजों का स्टडी करना केवल पॉलिन नहीं पेलिनो पॉलिन याद रखना है ठीक है लेकिन प्लैंकटॉन भी है पैलिनो पॉलिन प्लैंकटॉन ठीक है हम्म अभी देखो अगर हमने मान लो गुड़हल के फूल को छुआ ठीक है वहां ऐसे चाइना रोज को और उसका एंथर जो है मेल पार्ट वो मैच्योर हो गया और फट गया है, हो गया है। एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो बेटा फट जाता है ताकि पॉलिन ग्रेन बाहर निकले एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन बनते हैं पर वो बने क्यों थे ताकि वो रिप्रोड्यूस करे दूसरे फ्लावर के पास जाए लेकिन अंदर तो बैठे नहीं रहेंगे पॉलिन ग्रेन एंथर के तो एंथर फट जाएगा पॉलिन बाहर ठीक है फिर वो हवा में चिड़िया चमकादार कोई भी लेके जाएगा पॉलिनेशन करेगा ठीक है कौन कौन पॉलिनेशन करता है पॉलिनेशन की वीडियो देखना ठीक है ये जो है देखो ये जो फूल था ये पिंक पिंक पेटल दिख रहे हैं ना ये खुद ही अपने एंथर को ऐसे टच किया था तो ये येलो येलो डॉट्स लग गए ठीक है सो इफ यू वी फाइंड डिपोजिशन ऑफ ये पाउडरी पॉल इन आवर फिंगर्स हमारी फिंगर्स पे येलो येलो सब्सटेंस लग जाएगा ठीक है वो पॉल इन ग्रेन है बच्चा ठीक लेकिन एंथर्स ओपन होने चाहिए मेच्योर एंथर्स ठीक है छोटू बच्चा है तो पॉलिन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा फटेगा ही नहीं कोई फायदा नहीं होगा ग्रेन ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ए ग्लास लाइन एन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप क्या बोल रहा है ये बहुत कठिन कठिन बोल रहा है क्या हाँ हाँ कुछ कठिन कठिन नहीं बोल रहा है ये बोल रहा है ये एक ग्लास स्लाइड लो ठीक है और उस पर एक बूंद पानी डालो उसके ऊपर पॉलिन ग्रेन डालो ठीक है और स्टडी करो माइक्रोस्कोप में ठीक है ये तो आईज हैं, माइक्रोस्कोप नहीं है लेकिन माइक्रोस्कोप में भी ऐसे आंख से देखते हैं ना ठीक है so, सो देखो तो तुम्हें देखेंगे अलग अलग साइज के शेप के कलर के डिजाइन के पॉल एन ग्रेन साइज शेप कलर डिजाइन है ना पॉल पॉल इन ग्रेन डिफरेंट स्पीशीज अलग अलग स्पीशीज के पॉल एंड्रेन्स अलग अलग साइज शेप कलर डिजाइन के दिखेंगे जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे एक स्लाइड आप लोग ने लैब में पढ़ा पढ़ाई होगा एलेवन ट्वेल्थ में आ चुके हो सब ये ग्लास स्लाइड है पानी की बूंद डाली उसमें पॉल इंड ग्रेन डाल दिया और माइक्रोस्कोप में देखना चालू किया ठीक है तो अलग अलग डिजाइन दिखे एनसीआरटी की तो हर लाइन पढ़ लेंगे अपन ठीक है कुछ नहीं छोड़ेंगे हम्म अभी ये देखते हैं ठीक है हमने देखा माइक्रोस्कोप में तो हमें क्या दिखा है ना हमें उसका स्ट्रक्चर दिखा कैसा है वो एक गोलू मोलू है स्फेरिकल है पॉल्यून बेटा स्फेरिकल होता है ठीक है, इट और डायमीटर कितना होगा 25 से 50 माइक्रोमीटर अब स्फीयर है तो डायमीटर भी होगा है ना? ये देखो, ऐसे स्फीयर है तो डायमीटर भी होगा डायमीटर कितना होगा 25 से 50 माइक्रोमीटर ठीक है और इसकी होगी दो लेयर की दीवार पोलिन का जो चमड़ी होता है ना बेटा डरम वर्ड स्किन के लिए आता है डरम वर्ड किसके लिए आता है स्किन के लिए तो पॉलिन की स्किन पॉलिन को स्पोर टाइप का मान सकते हैं ठीक है क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कराएंगे है ना इनसे बच्चा बनेगा एक दिन एग के साथ फ्यूज होंगे तो स्पोरोडर्म ठीक है इसी स्पोर की चमड़ी ठीक है वो होती है दो लेयर वाली एग्जाइन एंड इन टाइन ठीक है क्या क्या एग्जाइन एन एन टाइन क्या क्या दो बेटा दो लेयर की पॉलन की चमड़ी डर्म स्किन कौन बनना चाहता है स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ठीक है सो डर्म मीन स्किन इसकी स्किन पोलग्रेन की स्किन वो दो लेयर की एक्साइन इनटाइन एक्स मतलब बाहर इन मतलब अंदर सो एक्साइन इंटाइन ठीक है एक्साइन बाहर की लेयर इनटाइन अंदर की लेयर यानी दो लेयर्स ठीक है एक्साइन इंटाइन साइड और फिर उसके नीचे क्या रहेगा ये पोलग्रेन तो एक सेल है ना बेटा और सेल जो भी रहता है और ये एक्चुअली एक क्या इसके अंदर दो दो सेल है ठीक है हम पढ़ेंगे अभी वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल्स ठीक है और ये जो है पॉलन ग्रेन ये सेल है तो सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन भी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटाइन एक्साइन ठीक है क्या क्या होगा देखो ये तो बेटा सेल हो गया ये बड़ा सा जो सेल दिख रहा है ना ये वाला ये है बच्चा वेजिटेटिव सेल और यह है जेनरेटिव सेल और यह इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का जो स्पेस है बेटा ये वाला ये हो गया है, ये वाला इंटाइन है यह पतला वाला है ना ये पतला वाला एंटाइन है और एक्साइन कहा है ये वाली एक्साइन है ये बाहर मोटू सेट जो है ये एक्साइन है ठीक है हम्म दिस वन इज एक्साइन बाहर वाली ठीक है सो so, सबसे बाहर एक्साइन फिर एंटाइन फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर अंदर का साइटोप्लाज्म ठीक है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है ना सेल है तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर का माल साइटोप्लाज्म ये तो बेटा हमने कैसे पॉलिन ग्रेन को देखा था काट दिया था पॉलिन ग्रेन को है ना लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लंबाई में काटा था यहाँ अब यहाँ काटो मत गोल गोल देखो पूरा ठीक है यहाँ देखो गोल गोल यहाँ बेटा आपको छेद दिखेंगे तीन तीन छेद दिख रहे हैं ये क्या है ये जर्म पोर्स हैं क्युं? क्यों क्योंकि यहाँ से पॉलिन जर्मिनेट करेगा हम लोग जानते हैं ना क्या जानते हैं हम लोग चना भी भिगोते हैं तो वो अंकुरित होता है चना जब हम भिगोते हैं बेटा चने में एक छेद होता है ठीक है वहां से पानी घुसता है और फिर चना अंकुरित होता है बाहर निकलता है उसी छेद से अंकुर जो हम स्प्राउट्स खाते हैं हैं चने में वाईट -वाईट स्प्राउट्स निकलते ना वैसे ही बेटा पॉलिन ग्रेन जिस दिन फीमेल पार्ट के ऊपर जाएगा स्टिग्मा के ऊपर तो वहां से पानी एब्जॉर्ब करेगा अपने इसी छेद से और अंकुरित हो जाएगा जर्मिनेट हो जाएगा तो जर्म पोर बोलते हैं ठीक है देखो कैसे हुआ ये है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है ना कार्पेल पे गया कौन गया पोलन ग्रेन यहां से इसने पानी एब्जॉर्ब किया ठीक है और फिर ये अंकुरित हो गया ये पोलेंट ट्यूब निकल आई ठीक है तो अंकुरित हो जाएगा अभी हम पॉलन ट्यूब वगैरह को अच्छे से पढ़ेंगे बेटा ये जो पॉलन ट्यूब है इसको ये वेजिटेटिव सेल बनाता है ये बड़ा ये वाला बड़ा सा सेल जो है ना वेजिटेटिव सेल बनाता है ठीक है और स्पर्म को बनाता है जेनरेटिव सेल इसलिए बोलते हैं जेनरेट करने वाला सेल जो स्पर्म बनाए जो नई और स्पर्म नई जनरेशन बनाएंगे बच्चा बनाएंगे इनका सो दे आर जेनेटिव सेल नई जेनरेशन जो बना दे वेजिटेटिव सेल वो उसमें वो स्पर्म नहीं बनाता वो ट्यूब बनाता है ठीक है तो वेजिटेटिव सेल इतना हो गया बेटा अभी देखो एक्साइन को देखते हैं बाहर की लेयर बाहर का कवच है तो बाहर का सुरक्षा कवच तो बेटा हार्ड होना चाहिए और घर में भी बाहर की दीवार होनी चाहिए मोटी ठीक है सो ये मोटी भी होती है हार्ड होती है ठीक है हार्ड एंड मेड ऑफ स्पोरोपोलिन हमारे घर की दीवार की बनी है इसकी बनी है स्पोरोपोलिन और इसकी और खासियत जानेंगे अभी स्पोरोपोलिन को क्या है अग्नि जला नहीं सकती ये वो वो बाहुबली की डेफिनेशन है पूरी फिट बैठती है स्पोरोपोलिन में ठीक है सो एक्साइन इज मेड अप ऑफ अपटा स्पोरोपोलिन इट इज हार्ड एन आउटर लेयर राइट

एसिड उसे बुझा नहीं सकता एल्कली उसे बुझा नहीं सकती स्ट्रॉन्ग एसिड्स एन एल्कली नो एंजाइम कैन डिग्रेड पॉलिपोर और एंजाइम उसे पचा नहीं सकता अग्नि उसे जला नहीं सकती एसिड उसे बुझा नहीं सकता एल्कली उसे बुझा नहीं सकती ठीक है तो ये तो बाहुबली हो गया है बेटा ये है क्या ये है पोलिन ग्रेन और उसके बाहर ये जो कोरोना वायरस टाइप का दिख रहा है क्या हाँ, आजकल कोरोना वायरस की फोटो सब जगह दिखती रहती है ना वैसे ही दिख रहा है ये एग्जाइन ठीक है और इसमें तीन छेद है है पोर्स अच्छा पता है, एक एक पता बात बताते हैं आजकल ना ये इस ये पोलन ग्रेन को एथलीट येट लोग खा दे रहे हैं और कई लोग वेस्टर्न कंट्रीज में खाते हैं जैसे अपने यहाँ लोगों को विटामिन खाने का ज्यादा शौक रहता है ना कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें पोलन ग्रेन खाने का भी शौक है खाना खाओ यार क्या ताकत मिल जाएगी वो तो बेचारा रिप्रोड्यूस करने के लिए बना उसको अपना बच्चा बनाने दो ठीक है इस ग्रेन को कैसे पचाती है बॉडी जब ये स्पोरोपोलिन इतना हार्ड है तो हमारे एंजाइम्स डिग्रेड कैसे कर देंगे कैसे इस ग्रेन का माल निकालेंगे अरे वो छेद है ना ये जानपोर इसके थ्रू घुस जाएंगे अंदर एंजाइम ठीक है ये तो छेद है ही ना उससे एंजाइम घुसेंगे खा पी लेंगे अंदर का जितना है स्पोरोपोलिन पॉटी में बाहर उसको स्पोरोपोलिन से मतलब ही नहीं है उसको अंदर वाली चीज से मतलब है हम्म अब ये स्पोरोपोलिन इतनी तगड़ी चीज है अगर है ना तो इसकी वजह से क्या होता है पॉलिन ग्रेन सालों साल ऐसे पड़ा रहता है ठीक है ड्यू टू तो प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन और वो प्रिजर्व किया जाता है फॉसिल के फॉर्म में ग्रेन्स आर प्रिजर्व एज फॉसिल्स राइट फॉसिल्स

कि ये कैसा दिख रहा है विंग टाइप का पता है बेटा विंग्ड पॉलन किसमें मिलता है ऐसा पॉलन ग्रेन जिसमें पंख लगे हैं पाइंस में और पाइन इज अ जिम्नोस्पर्म इट्स नॉट एंजियोस्पर्म विंग पॉलन इज फाउंड इन पाइंस उसके पंख लगे उड़ता है वो हवा में ठीक है सो एक्साइन एग्जिबिट्स आर डिफरेंट एरे ऑफ डिजाइन एंड पैटर्न राइट आगे बढ़ते हैं हम्म आर हमने बात की थी छेद होते हैं एक्साइन में ठीक है दीज आर प्रोमिनेंट इन में एकदम प्रोमिनेंट जिसका दबदबा हो जो दिखते हैं ऐसे छेद आएंगे ठीक है और इन छेदों पे स्पोरोपोलिन नहीं है क्योंकि हम जानते हैं बेटा स्पोरोपोलिन ऐसी चीज है जो एकदम एकदम ज्यादा क्या है स्ट्रॉन्ग है सो इन जगहों पर नहीं रहेगी क्योंकि इस जगह से पोलिन को जर्मिनेट होना है अपने स्पर्म रिलीज करने हैं फीमेल में ठीक है तो अगर यहाँ भी रहेगा स्पोरोपोलिन तो इस पॉलेन ग्रेन के बनने का तो मकसद ही खत्म तो पॉलेन ग्रेन का वो जगह जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है वो होते हैं जर्म पोर्स ठीक है स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इस ये एबसेंट है ठीक है ये नहीं है इससे क्या होगा यहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं है तो जर्म पोर्स पे जो तो जर्मपोर क्या करने में मदद करेंगे पोलन ट्यूब बनने में रिलीज ऑफ मेल गैमिड्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या बोला गया ये देखो ये पोलन ग्रेन बन गया है अब ये फीमेल के पास जाएगा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ठीक है स्टिग्मा के ऊपर बेटा ये पोलन ग्रेन बैठ गया जा करके ठीक है अब ये स्टिग्मा से पानी सोखेगा थोड़ा सा ठीक है और ये अंकुरित हो जाएगा जैसे हम चना भिगोते हैं तो उसको पानी में भिगोना पड़ता है ना अंकुरित तो होने के लिए उसको पानी चाहिए चने में एक छेद होता है जहां से पानी घुसता है ऐसे ही बेटा ये जर्म इनके अंदर भी ये छेद है कैसे करें ये देखो पिंक वाला ये छेद है है ना यहां से क्या घुसेगा बेटा जब ये पॉलैंड जाकर के यहां गिरेगा तो इस छेद में से ही पानी घुसेगा और पानी में घुसा तो ये क्या होगा अंकुरित हो जाएगा पॉलेंट ट्यूब ऐसे निकल आएगी वही निकल आई यहाँ पॉलेंट ट्यूब ठीक है पॉलेंट ट्यूब निकल आई इस पॉलन ट्यूब में क्या बनेंगे स्पर्म बनेंगे ठीक है अभी हम देखेंगे कैसे बनेगा यहाँ पॉलन ट्यूब में स्पर्म बनेंगे और वो स्पर्म बेटा अंदर जा कर के जहाँ यहाँ अंदर ओवरी में एग रहेगा उसके पास पहुंच जाएंगे फर्टिलाइज कर देंगे बच्चा बनाएंगे ठीक है इसीलिए वो रिलीज हुए थे ये बेटा ये देखो इस फोटो में है क्या एक ही छेद और यहां तीन तीन छेद ऐसा क्यों मोनो मोनो मोनोमींस वन मोनोकॉट से ओनली वन जम्पोर ओनली वन जम्पोर डाइकॉट थ्री 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 ओनली वन एंड मोनोकॉट में एक जम्पोर एंड डाइकॉट में तीन तीन जम्पोर ठीक है डाई डाइमिन टू ऐसे मत याद कर लेना मोनो मोनोमींस वन तो याद कर सकते हो डाई डाईमिन टू डाई रा डाइमी थ्री ठीक है डाइकॉट्स में थ्री जर्म पोर्स मोनोकॉट्स में ओनली वन अभी देखते हैं एग्जाइन का किस्सा तो खत्म ठीक है एग्जाइन सोरोपोलिन से बना था उसमें जर्म पोर थी अब वो किस्सा खत्म अब इनटाइन पे आते हैं अंदर वाली दीवार पे अंदर वाली दीवार जो पॉलिन ग्रेन की है वो थिन है पतली दीवार है क्योंकि बाहर तो मोटा कवच था ही तो ये पतली है एंड कॉन्टिन्यूस लेयर इसमें कोई छेद नहीं है एग्जाइन में तीन तीन छेद थे ना इसमें ऐसा नहीं है ये कॉन्टिन्यूस लेयर है ठीक है मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सौ टक्का इंपॉर्टेंट कितना टक्का ठीक है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन

अभी देखते हैं हमने देख लिया एग्जाइन भी देख ली इंटाइन भी देख ली अब हम ये देखेंगे कि सेल जो है उसके अंदर सेल कितने हैं दो तरीके के होते हैं मैंने बताया था ना पॉलिन का स्ट्रक्चर क्या है बाहर एग्जाइन है फिर इंटाइन है फिर अंदर दो सेल्स से. है ठीक है तो वो दो सेल कौन कौन से होगा एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल कौन कौन सा बेटा एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव और मैंने ये भी बताया था कि वेजिटेटिव सेल जो होता है पॉलिन ट्यूब बनाता है जनरेटिव सेल स्पर्म्स बनाता है ठीक है वेजिटेटिव सेल क्या बनाते हैं बेटा पॉलिन ट्यूब राइट एंड जेनरेटिव सेल स्पर्म्स है ना अब ये देखो ये पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर है ठीक है बाहर एग्ज़ाइन फिर एंटाइन ठीक है उसके बाद बेटा ये क्या है इस वाले में अच्छे से नहीं बना है यहाँ देखो अच्छे से बना ये एक्साइन बनी है फिर ये पतली सी लेयर एंटाइन बनी है फिर ये बड़ा सा एक सेल बना है बेटा बड़ा वाला जो सेल है ना ये ये है वेजिटेटिव सेल ठीक है ये है वेजिटेटिव सेल और इसके अंदर में तैरता रहता है सेल, ये रहा। ये रहा। एंड दिस वन इज वेजिटेटिव। बड़ा सा वेजिटेटिव और उसके अंदर में तैरता है कौन जेनरेटिव सेल ठीक है ये दोनों हो गए वेजिटेटिव क्या बनाएगा पॉलिन ट्यूब ठीक है और जेनरेटिव क्या बनाएगा स्पर्म्स राइट चलो अब वेजिटेटिव सेल को देखते हैं, हैं। है, हम लोग है, है? है, भी ज्यादा खाना खाएंगे तो गोलू मोलू हो जाएंगे ना ये भी फूल गया है खाना खा खा के इसके अंदर बेटा बहुत सारा खाना भरा है ठीक है ये वैसे है, जैसे एक जगह खूब सारा खाना फूड स्टोर करते हैं ना फूड स्टोरेज डिपार्टमेंट टाइप का है

कैसा शेप का बेटा इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस है ठीक है इसका न्यूक्लियस है इरेगुलर शेप का ठीक है ये बड़ा न्यूक्लियस है ये सेल खुद ही बड़ा है क्यों बड़ा है खाना भरा है अपने अंदर वेजिटेटिव सेल हो गया अब हम लोग पढ़े थे जेनरेटिव सेल जेनरेटिव सेल क्या बनाएगा बेटा वेजिटेटिव ने तो पॉलन ट्यूब बनाई थी जेनरेटिव स्पर्म्स बनाएगा ये सेल छोटा सा होता है दिस सेल इज स्मॉल

स्पिंडल शेप्ड है यहां देख लो इस वाले फोटो में ये, ये यहां क्या है स्पिंडल शेप्ड है है ना स्पिंडल शेप्ड ये स्पिंडल शेप्ड ठीक है इसका साइटोप्लाज्म एकदम डेंस भर भर के साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस है इसमें ठीक है सो इट हैज न्यूक्लियस एंड डेंस ठीक है ये न्यूक्लियस है इसका और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म एकदम घना साइटोप्लाज्म ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अब आ गया हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया पॉलन ग्रेन का ठीक अब देखते हैं किस स्टेज ग्रेन झड़ते हैं क्या मतलब है इस का? कि shed, क्या मतलब है इस लाइन का देखो बेटा पहले बताते हैं क्या स्टेमिन यहां देखो हमने क्या बनाया स्टेमिन बनाया ये एंथर है एंथर कैसा होता है दो लोब वाला ये दो थीका है ठीक है एंथर इज डाई थी बाई लोब एक थी का एक लोब इसमें ये क्या है दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया हर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया इन्हीं के अंदर बेटा पॉलिन ग्रेन बनते हैं ठीक है इन थैलों के अंदर चार चार पैकेट है एंथर के अंदर दो 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 इस पैकेट दो यहां, दो यहां पैकेट चार इन पैकेट के अंदर पॉलिन ग्रेन बने अब जब बन गए तो ये एंथर फट जाएगा क्योंकि पॉलिन ग्रेन को फीमेल तक पहुंचना तो एंथर फट गया और निकल गए पॉलिन ग्रेन पॉलिन ग्रेन कैसा था इसके अंदर एग्जाइन थी टाइम थी दो सेल थे है ना पॉलेन ग्रेन के अंदर एक जेनरेटिव एक वेजिटेटिव तो अब हमको देखना है कि किस स्टेज पे पॉलेन ग्रेन यहाँ से निकला है मतलब क्या ये ऐसे ही निकल गया है जैसा कि साठ परसेंट एंजियोस्पर्म्स में होता है पॉलेन ग्रेन आर शेल्ड एट टू सेल स्टेज एक जेनरेटिव और एक वेजिटेटिव सेल ठीक है लेकिन चालीस एंजियोस्पर्म्स बेटा ऐसे है जिसमें ये जेनरेटिव सेल पहले ही डिवाइड कर जाता है मतलब एंथर के फटने के पहले जेनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस हो जाती है ठीक है जेनरेटिव सेल में माइटोसिस हो जाएगी और दो दो स्पर्म बना देता है तो अब ग्रेन में कितने सेल हो गए एक वेजिटेटिव और दो स्पर्म सेल्स ठीक है ये क्या हुआ बेटा इसके अंदर ये मान लो ये कौन था वेजिटेटिव ये जेनरेटिव सेल जेनरेटिव सेल में माइटोसिस हुई और दो दो सेल बन गए स्पर्म और टोटल ये कौन है वेजिटेटिव सेल तो टोटल तीन सेल हो गए स्माइली टाइप का हो गया क्या ये क्या है स्पर्म सेल्स और ये वेजिटेटिव सेल हाँ स्माइली फेस बन गया ये फोर्टी परसेंट एंजो स्पर्म स्माइलिंग फेस बनाते हैं ठीक है और बाकी सब बाकी एक सेल ये एक सेल ये ठीक है, टू स्टेज रिलीज होते हैं और सिक्सटी परसेंट स्टेज पे रिलीज होगा उसमें क्या है? हो gametes, polynes, pumps, shed, निकले, इस जनरेटिव सेल में क्या हो गई थी माइटोसिस ठीक है क्या हो गई थी माइटोसिस बन गए दोस्पम्प ठीक हम्म देखो मस्त वाली फोटो है ना बेटा ये वाला जो न्यू आ, इधर पॉलिन है ये क्या है ये साठ परसेंट एनजीओ में होता है कितने परसेंट में सिक्सटी परसेंट एनजियप में इसी स्टेज पे पोलिन रिलीज होगा और फोर्टी परसेंट में इस स्टेज में यहाँ क्या है बेटा दो सेल है है ना ये जनरेटिव सेल है और किसके साइटोप्लाज्म में तैर रहा है वेजिटेटिव सेल के जो ट्यूब बनाता है पोलिन ट्यूब इसीलिए वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को बेटा ट्यूब न्यूक्लियस भी बोल देते हैं ठीक है तो यहाँ तो दो सेल हो गए ये एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव ये इसको बाई न्यूक्लियर भी बोल देते हैं क्योंकि दो न्यूक्लियस हैं ट्यूब न्यूक्लियस जनरेटिव सेल और बाई सेलुरर पॉलन क्योंकि दो सेल हैं वेजिटेटिव जनरेटिव दूसरा हो गया बेटा ट्राई न्यूक्लियर पॉलिन या ट्राइ से जब इस जनरेटिव सेल में क्या हो गई और दो स्पर्म सेल, बन गए। ये रहे। तो कितने सेल हो गए किसके हैं वेजिटेटिव सेल के दोनों स्पर्म्स ठीक है तो टोटल कितने सेल होगा तीन कितने हो तीन ट्यूब का न्यूक्लियस यानी कि वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब बनाता है ना वेजिटेटिव सेल इसलिए क्या बोलते देते हैं ट्यूब न्यूक्लियस और ये दोनों क्या हो गए स्पर्म सेल्स एनी डाउट हाँ इफ यू हैव डाउट देन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अब बेटा पॉलन ग्रेन बन गया है ठीक है साठ परसेंट में टू सेल वाला और चालीस परसेंट एंजियोस्पर्म्स में तीन सेल वाला अब एंथर फटेगा पॉलन झड़ेगा ठीक है एंथर डाइसेंस यहाँ देखो एंथर फट रहा है यहाँ लाइन है है ना और यहाँ से निकल रहा है यहाँ देखो एंथर अच्छे से फटा है और ये निकल रहे हैं पॉलन ग्रेन्स दिख रहे हैं बेटा ये निकल रहे हैं पॉलन ग्रेन्स यहाँ देखो ऐसे निकल रहे हैं पॉलन ग्रेन्स यहाँ भी निकल रहे हैं ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा जा रहा है इतना बड़ा बड़ा नहीं दिखता है पॉल ग्रेन निकल रहा है यहाँ निकल रहे हैं ठीक है, है? है। और वो लिली का एंथर है ठीक है ये तो ऐसे पूरा दिख रहा है अब इसको काट दो ऐसे बीच से ठीक है काट दोगे तो कैसे दिखेगा काट देगा तो हम ले आ, फिर कैसे दिखेगा ट्रांसफर्स सेक्शन देखेंगे ये लिली का एंथर है बेटा ठीक है यहाँ देखो पॉलन ग्रेन फटने की कगार पे पूरे पॉलन ग्रेन भरे हुए हैं यहां से पॉलिंड निकलेगा ठीक है ये जो माउथ है जहां से पॉलन निकलता है बेटा इसको बोलते हैं स्टोमियम ठीक है यहाँ देखो यहाँ से ये तो ट्रांसफर्स सेक्शन था बेटा ऐसे काटा था अब पूरी लंबी यहां देखो ट्रांसफर्स सेक्शन है ना अभी पूरी लंबाई में देखो यहां से हमने काटा है मान रहे हैं यहां से पूरी लंबाई में देखेंगे ना तो ये जो माउथ है ना ये ऐसे लंबा गैप दिखेगा इस टाइप का यहां से पूरा पॉलिंड झड़ेगा ठीक है यहां से पूरा पॉलिंड क्या होगा झड़ने वाला है ऐसे यहां से दिख रहा है ना बेटा ये ग्रूव जो है ये ग्रूव है यहीं से पॉलन निकलता है ये स्टोमियम है ये माउथ है ठीक है अब एंथर फट गया ठीक है पॉलन रिलीज हो गए तो जाएगा कहाँ पॉलन उसको तो जाना है कार्पल के पास ठीक है किसी फ्लावर के कार्पल के पास फीमेल है कार्पल उसके पास गया उसमें कहा जाएगा ये स्टिग्मा पे जाएगा स्टिग्मा ये देखो यहाँ पहुंच गया है ठीक है अब स्टिग्मा से क्या किया इसने पानी ले लिया कैसे घुसा पानी जर्म पोर से ठीक है पानी ले लिया फूलता गया पानी ले लेके और अंकुरित हो गया ये छोटू सा इससे आ, स्प्राउट निकला फिर ये और बड़ा हुआ फिर ये और बड़ा हुआ और फाइनली ये बड़ा होता गया और ये कहाँ पहुंच जाएगा बेटा ये एक्चुअली पहुंच जाएगा ऐसे ही पोलन ट्यूब निकलते 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 यहाँ ओवरी में जहाँ एग है वहाँ पहुंच जाएगी ठीक है सो ये पॉलन जर्मिनेट हो गया अभी हम देखेंगे कि पॉलन ट्यूब जो बना है ये किस से बना है देखो ये जो पॉलन ट्यूब थी बेटा एक्चुअली पहले पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पे ऐसे गिरा है ना पोलिन ये इस पोल में है दो दो सेल ये पूरा बड़ा सा कौन है वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव सेल है ना ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस यहाँ लिखा है ये वेजिटेटिव का न्यूक्लियस निकला है जिसको ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं ठीक है थीके? ये जो है यही जो है ट्यूब सेल जो है ट्यूब का न्यूक्लियस है ये इसका काम मतलब वेजिटेटिव सेल का ही काम क्या है पोलिन ट्यूब को बनाना जब ये जर्मिनेट हुआ पे जर्मिनेट हुआ स्टिग्मा पर ठीक है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ठीक है कुछ तो ज्यादा अलग डिजाइन का बन गया है। ये स्टिग्मा पर जनरेट हुआ सॉरी जर्मिनेट होगा पॉलेंड गिरा पॉलन से क्या निकलेगी बेटा पॉलन ट्यूब ये अंकुर जो है ये जो पॉलिन ट्यूब है किसने बनाई है ये ट्यूब न्यूक्लियस का काम है ये वेजिटेटिव सेल का काम है ठीक है वेजिटेटिव सेल का काम है ये पॉलिन ट्यूब बनाना इसलिए इसके न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं ठीक है ठीके? तो पॉलन ट्यूब कौन बनाता है बेटा वेजिटेटिव सेल ठीक है वो ही लंबा हो जाता है वेजिटेटिव सेल गोलू मोलू है ना वो लंबा हो जाएगा उसी से बन जाएगी पॉलन ट्यूब ठीक है फिर उसके अंदर जब ये जर्मिनेट हो गया तो नीचे में जा करके जब जर्मिनेट हो गया है उसके बाद ना ये जो जनरेटिव सेल है ठीक है जनरेटिव सेल है वो भी डिवाइड कर जाएगा दो सेल में और स्पर्म बन जाएंगे दो दो ठीक है <coughs> क्या बन जाएंगे दो दो स्पर्म बन जाएंगे ये वाली फोटो में देखो उसमेंटिव सेल जनरेटिव जनरेटिव सेल 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 ठीक ठीक है 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 वेजिटेटिव ने क्या बना दी ट्यूब उसमें उसका न्यूक्लियस और इसी में गया ठीक है जनरेटिव सेल जा करके क्या हो गया माइटोसिस हो गई और डिवाइड कर गया दो सेल में किसी भी सेल में माइटोसिस होगी बेटा तो वो दो सेल में ऐसे डिवाइड करेगा ना तो अगर ये जनरेटिव सेल है तो इसने दो स्पर्म बना दिए स्पर्म को जनरेट कर दिया स्पर्म नई जनरेशन बनाएंगे इसलिए जनरेटिव सेल है वो ठीक है अभी देखो यहाँ एक समरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का हालांकि एक अलग लेक्चर ही है ठीक है लेकिन इसको देखो ये क्या है बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां होती है देखो ये क्या है एंथर्स है ठीक है एक एंथर में दो माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक, एक में, है में दो, दो माइक्रोस्पोरेंजियम को निकाल लो माइक्रोस्पोरेंजियम में अंदर की तरफ एक टिश्यू होता है उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू और उस टिश्यू का हर सेल हर सेल टिश्यू कई सेल्स से बना होता है उस टिश्यू का हर सेल बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है क्या होता है एमएमसी PMC पॉलेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर सेल या माइक्रोस्पोरोसाइट भी बोलते हैं ठीक है थीके? ये सब नाम है इसके। एक सेल को बाहर निकालो ठीक है अच्छा एक चीज और देखो ये जो सेल होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल इसके बाहर एक कैलोस की लेयर है अब ये सेल का न्यूक्लियस डि न्यूक्लियस बने फिर डिवाइड किया चार न्यूक्लियस बने मतलब एक बार मियोसिस हुई फिर दूसरी बार मियोसिस हुई ठीक है मियोसिस मीन रिडक्शन डिवीजन तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मान लो दो सेट क्रोमोजोम का था तो मियोसिस हो गई तो एक सेट रह जाएगा मियोसिस हो गई तो एक सेट रह जाएगा है ना सो so, दो बार मियोसिस और क्या बने ठीक चार -चार है ये क्या बन गए बेटा चार माइक्रोस्पोर बन गए है ना और इसके बाहर क्या है बेटा यही कैलोस की लेयर जो यहां थी ये वाली लेयर बाहर जो लेयर थी ये यह यहाँ भी रहेगी इसका ब्लू कलर की जो है ठीक है ये कैलोस की लेयर होती है किसकी होती है बेटा कैलोस की तो अगर कोई पूछे माइक्रोस्पोर्स सारे आपस में किससे जुड़े हैं ठीक तो है।, है थोड़ा मेच्योर होता है एंथर तो वो उसमें से पानी सूखता है और जैसे अपने बाल को देख लो नहा के आते हो बाल गीले रहते हैं चिपके रहते हैं लेकिन जब पानी सूखता है तो बाल एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं वैसा ही केस कुछ इसका है ठीक है ये पहले ज्यादा चिपके रहते हैं जब पानी डिहाइड्रेशन होता है बेटा पानी सूखता है तो ये थोड़ा अलग हो जाते हैं दूसरी बात क्या होता है इनके ऊपर एक एंजाइम वर्क करता है कैलेज एंजाइम वर्क करता है कैलेज कैलेज ना इस कैलोस को तोड़ देता है ये कैलेज आता कहाँ से है माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें ये स्पोरोजेनस टिश्यू है उसके बाहर में बेटा रहती है बाहर फिर मिडल टेपिटम। टेपिटम ही बना बना के भेजती है अंदर को और वो तोड़ता है स्केलोस को और ये हो जाते हैं फ्री आजाद सारे माइक्रोस्पोर आजाद हो गया माइक्रोस्पोर अब माइक्रोस्पोर जो है उससे क्या बनेगा बेटा पॉलिन ग्रेन में मैच्योर होगा वो ठीक है पोल ग्रेन जो है उसके अंदर दो सेल होते हैं ना एक क्या होता है वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल जेनरेटिव सेल्स क्या जनरेट करता है स्पॉर्म्स को जनरेट करता है ठीक है और स्पर्म होते हैं मेल गैमिट ठीक है इसीलिए बोलते हैं माइक्रोगिटोजेनेसिस इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं माइक्रोगिटोजेनेसिस माइक्रोगीट क्यों छोटे गैमिट जो स्पॉम होते हैं वो छोटे होते हैं और फीमेल का जो एग होता है वो बहुत बड़ा होता है उसलिए उसको मेगा गैमीट बोलते हैं ये माइक्रोगिट है ठीक है कैसे हुआ बेटा ये माइक्रोस्पोर से कैसे बने माइक्रोस्पोर में सबसे पहले एक आएगा जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि उनमें बहुत बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं एनिमल सेल्स में छोटे वैक्यूल होते हैं ठीक है तो ये बड़ा सा वैक्यूल आया ठीक है और ये एक तरफ पहुंच गया कोने में 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 न्यूक्लियस इसका बाद में क्या हुआ बेटा इस सेल माइटोसिस हो गई ठीक है और ये डिवाइड कर गया दो सेल में वेजिटेटिव एंड जेनेटिव साठ परसेंट जो ये थोड़ा और मेच्योर हुआ ठीक है साठ परसेंट जो एंड होते हैं उनमें तो ये स्टेज पे पहुंच गया लेकिन चालीस परसेंट में सेकेंड माइटोसिस हो गई और क्या हुआ फिर दो स्पर्म बन गए माइक्रोगैमिट्स बन गए ठीक है अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना बेटा माइक्रो जो माइक्रोगिटोजेसिस है इसमें माइटोसिस हो रही है किसमें माइक्रोस्पोर्स में लेकिन जो माइक्रोस्पोरोजेनसिस है वहां मियोसिस होती है किसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में ठीक है इसमें मियोसिस यहां माइटोसिस इसको नहीं भूलोगे ठीक है हम्म अभी देखो ये वही चीज है कि हाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल है फिर दो न्यूक्लियस चार न्यूक्लियस चार सेल वाला पू चार चार सेल अलग बन गए माइक्रोस्पोर किससे जुड़े थे कैलो कैलोस से जुड़े थे कौन तोड़ा इनको कैलेज तोड़ा ठीक है फिर हर माइक्रोस्पोर आजाद एक माइक्रोस्पोर को ले लो उसमें वो वैक्यूल आया और वो ये वैक्यूल आया तो एक सेल वाला पॉलिन ग्रेन बन गया ये ठीक है यूनि पॉलिन फिर वो वैक्यूल बड़ा हुआ और दूसरी बात ये न्यूक्लियस भी क्या कर गया माइटोसिस कर गया तो यहाँ होती थी बेटा जब माइक्रोस्पोर बनता था तो होती थी दो बन गया दो सेल वाला ये साठ परसेंट एनजीओ स्पर्म में बाइसेलर पॉलिन रिलीज हो गया एंथर पटा तो लेकिन जो चालीस परसेंट एनजीओ रहते हैं ठीक है जो चालीस परसेंट एनजीओ रहते हैं उनमें एक और बार माइटोसिस होती है सेकेंड माइटोसिस और दो मेल गैमिट्स भी बन जाते ट्राई सेलर पॉलिन रिलीज होता है दो मेल गैमिट और एक वेजिटेटिव सेल और ये सीधे जाता है पोलिन ग्रेन और अंकुरित हो जाता है चुपचाप इसमें स्पर्म तो पहले से ही है लेकिन जो बाई सेलुर जाएगा स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित होगा तो पोलिन ट्यूब बनेगी उसके बाद उसमें जेनरेटिव सेल मल्टीप्लाई करेगा माइटोसिस होगी सेकेंड वाली यहां जाकर के सेकेंड माइटोसिस होगी और दो स्पर्म बनेंगे तो साठ परसेंट में जर्मिनेट होने के बाद सेकेंड माइटोसिस होगी चालीस परसेंट में पहले ही हो गई रहती है इतना ही है सिंपल सा ठीक है इतनी कहानी का तो आप देखते हैं पॉलिन एलर्जीज बेटा पॉलिन ग्रेन से एलर्जीज भी होती है एस्थमा वगैरह अपने को भी है ठीक है एलर्जी पॉलिन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज सीवियर

फिर ये और डिवाइड करेगा प्राइमरी ब्रोंकियोल टर्मिनल सेक्रेटरी ब्रोंकियोल टर्मिनल ब्रोंकियोल दुनिया भर के ब्रोंकियोल रहेंगे ठीक है पूरा मतलब बंज ब्रांच हो जाती है जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना इसकी भी शाखाएं होती हैं पूरा ब्रांच हो जाता है इसलिए बोलते, है है है? बोलते हैं पता है क्या ब्रोंकियल ट्री रेस्पिरेटरी ट्री ठीक है रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं तो ये पूरा शाखाएं शाखाएं बन गई पूरे लंग्स के कोने कोने तक हमने हम सांस ली हवा जो थी पूरे लंग से कोने कोने तक पहुंच गई जानते हो ये जो डिवीजन पॉइंट होता है ट्रैकिया जहां डिवाइड करती है दो पार्ट में तो क्या बोलते हैं करीना कपूर करीना बोलते हैं ठीक है एमबीबीएस में जाओगे ना तो पढ़ोगे जिस जगह पे ये ट्रैकिया डिवाइड करती है दो पार्ट में वो करीना कपूर है करीना है ठीक है अभी देखो क्या हुआ इसी ब्रोंकाई ब्रोंकियल ट्री में कहीं पर भी पूरा हो सकता है ये पोलन क्या है ना बेटा जा करके एलर्जी करेगा तो वो पाइप सूज जाएंगी सांस लेने वाली जो पाइप्स है पूरी है ना ये पूरा पेड़ है जो पाइप का बनाया ये ये सूज जाएंगी सूज गई तो ऐसे ऐसे दरवाजा बंद हवा नहीं आ पाएगी और आदमी को सांस लेने में दिक्कत होगी कोई पाइप है ऐसे जा रही है वो सूज गया उसमें सूजन हो गई तो ऐसे चिपक जाएगी ना हवा कम जाएगी वहां से ठीक है तो अब किसी को एलर्जी है तो वो जब भी उस जगह पे जाएगा वो सांस लेने में दिक्कत होगी ग्रेन से और एलर्जी आएगी तो क्रोनिक यानी पुरानी डिजीज ठीक है क्रोनिक मतलब होता है पुराना ठीक है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सांस लेने की समस्या पुरानी हो जाएगी जैसे एस्थमा जैसे ब्रोंकाइटिस आइटिस वर्ड बेटा सूजन के लिए यूज़ होता है कहीं पर भी चाहे बॉडी के किसी भी ऑर्गेन में सूजन हो तो आइटिस लगा देते हैं साइनियोसाइटिस लगाते हैं ना साइनस में सूजन आप पढ़ोगे जाके साइनस क्या होता है फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में ठीक है और बहुत सारे ऐसे राइनाइटिस नोज में सूजन ठीक है तो आइटिस कंजक्टिव आइटिस सुना है आपने आईज रेड हो जाती है आंख आ जाती है बोलते हैं ना आइटिस मतलब सूजन ठीक है एस्थमा ब्रोंकाइटिस ये सब क्रॉनिक डिजीजेस है ठीके? ना ब्रोंकियल ब्रोंगे ब्रोंकाई में समस्या की वजह से होता है ये क्या इसमें किसी को डाउट है डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट्स में ठीक है यहाँ देखो ये छोटी सी बच्ची है गार्डन में गई है ठीक है और वहां बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स हैं छींकने की कोशिश कर रही है इसके नाक में समस्या हो रही है पोलियन ग्रेन बेटा बहुत सारी समस्याएं करते हैं आईज में समस्या कर सकते हैं नोज में कर सकते हैं एलर्जी ठीक है सांस लेने में एलर्जी होगी केवल सांस लेने तो सांस लेने की एलर्जी लिखी है आपके में, आईज में भी करते हैं नोज में भी प्रॉब्लम करते हैं ठीक है थीके? ये बच्चा देखो इनहेलर ले रहा है इसको सांस लेने में समस्या हो रही है तो इसलिए पोलिन ग्रेन से एलर्जी हो गई है इसको है ना ये बच्ची उड़ा रही है इसको कोई समस्या नहीं है ये वाली को लेकिन इस बच्चे को है इसका एलर्जी है ठीक है अब हम बात करते हैं गाजर घास की गाजर खाने वाला गाजर नहीं है गाजर घास ऐसे बोल देते हैं बेटा कैरेट ग्रास इसका नाम है साइंटिफिक नेम पारथीनियम क्या नेम है पारथीनियम और ये है इम्पोर्टेंट ये भारत में इम्पोर्टेड वीट के साथ आई थी और अब सब जगह फैल चुकी है कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कौन सी घास थी जो इम्पोर्टेड वीट के साथ कंटामिनेट मतलब कंटामिनेशन यानी उसके साथ उसको गंदा करके आ गई है ना कंटामिनेट कर दिया उसके साथ में आ गई वो ठीक है और पूरे भारत में अब यूबीक्विटस यानी पूरे सब जगह पाई जाती है वो मैडम पार्थिनिया में ठीक है गा, गा, गाजर घास कैरेट ग्रास उससे बहुत सारी एलर्जीज होती है इस घास को सब जानते हो जगह जगह देखा होगा सबने नहीं देखा तो देख लेना ध्यान से आए माये इधर उधर ठीक है दिख जाएगा अभी देखो क्या क्या कर सकता है बहुत कुछ कर सकता है यहाँ तो स्किन में एलर्जी दिखाई है ये बच्चा सांस ले लेने में दिक्कत हो रही है इसको है ना और आइज में भी दिक्कत होती है आंख से पानी आएगा स्वेलिंग होगी परेशानी ना नोज में दिक्कत होगी नोज में स्वेलिंग आ, पानी आना बहुत सारी समस्याएं होती हैं बेटा केवल एस्थोमा और स्किन रैश लिखा है उतना ही नहीं होता है और भी होती है आइज में प्रॉब्लम नोज में प्रॉब्लम एलर्जी है ना जाना है एमबीबीएस बी एस में पढ़ना उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करो अभी पोलिन के हेल्थ बेनिफिट्स कुछ लोगों को पोलिन खाने का भी शौक रहता है खाना खाने से मन नहीं भरता फल वल से मन नहीं भरता फल सब्जियों से पॉलिन भी खा लेते हैं पॉलिन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है हमने पढ़ा था ना कि वेजिटेटिव सेल में बहुत सारा फूड स्टोर रहता है ठीक है लेकिन वो लोग तो बेचारे अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए इतना जुगाड़ कर रहे थे लेकिन लोग उनको खा गए पॉलिन ग्रेंस आर रिच इन न्यूट्रिय एंड उसके टैबलेट बनाई सिरप बनाया पॉलन टैबलेट्स आर पोलिन एज फूड सप्लीमेंट लोग खाने के साथ खाते हैं सप्लीमेंट है जैसे लोग विटामिन की गोली खाते हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज टैबलेट्स एंड सिरप अवेलेबल टैबलेट सिरप सब मिल रहा है भाई कंजम्पशन इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस एथलीट को खिलाते है। हैं एथलीट लोग बढ़िया दौड़े दौड़ेंगे रेस के घोड़े अच्छे से दौड़ेंगे ठीक है तो है भाई इतना मिल रहा है ग्रेन पोलिन गे सब टैबलेट वेबलेट एन सी आर टी का फोटो है हम्म अभी देखो अब ये बोलता है कि पॉलन ग्रेन जब एंथर फटा और पॉलन निकला ठीक है तो कितने समय तक वो अपना बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है कितने समय तक वो वायबल रहेगा बेबी प्रोड्यूस करने के लिए उसको जल्दी से फीमेल के पास जाना है स्टिग्मा के पास और अपने नया जनरेशन पैदा करने से प्पा बनना है ठीक है सो आफ्टर शेडिंग पॉलन ग्रेन मस्ट लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन उनको स्टिग्मा पे जरूर जाना होगा ठीक है इससे पहले कि वो अपनी वायबिलिटी को लूज कर दे वायबिलिटी यानी वो कितने देर तक बच्चा पैदा करने बच्चा बनाने की क्षमता है उसमें जनरेट करने की वो इससे पहले कि खत्म हो जाए उसे जल्दी से जाना है और जाकर के फर्टिलाइज कर देना है एग को और बन जाना है पप्पा ठीक है पीरियड फॉर विच ग्रेन्स रिमेन वायबल हाईली वेरिएबल है बेटा ये किसी में आधे घंटे किसी में कई महीने ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ और डिपेंड करता है किस पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जैसे मान लो बहुत ही ही जलता हुआ टेम्परेचर है तो उसमें पेड़ पौधे देखें सूख जाते हैं या बहुत ठंड है तो वो भी मुरझा जाते हैं है ना तो टेम्परेचर जो है वैसे ही पॉलिन का है टेम्परेचर एक परफेक्ट टेम्परेचर होना चाहिए और ह्यूमिडिटी हवा में ह्यूमिडिटी है ना न हवा में नमी वो भी सही होनी चाहिए ठीक है एकदम सूखी हवा होनी नहीं सही लेगी एकदम ज़्यादा गीली भी नहीं चलेगी हम्म देखो बेटा जो घास सीरियल होते हैं यानी अनाज जैसे कि राइस स्वीट इनमें मात्र मिनट मिनट के के अंदर उसको फीमेल के पास पहुंचना है है और बेबी पैदा करना है, बनाना है प्रोड्यूस करना है बेबी ठीक है पैदा बता तो नहीं कर पाएगा बेचारा प्रोड्यूस करेगा मन लेकिन कुछ ऐसे स्पीशीज कई महीने तक वायबिलिटी होती है जैसे कि गुलाब दाल का परिवार और आलू टमाटर बैंगन का परिवार देखो रोजेसी रोज फैमिली लेग्यूमिनोसी ठीक है तो कैसे याद करोगे सोलेनेसी रोजेसी ठीक है जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो एस एल आर टेस्ट पढ़ोगे आप लोग शियाटिका शियाटिका नाम सुनते होगे बीमारी का बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं ना शियाटिका है, शियाटिका है उसमें ये टेस्ट करते हैं ऐसे आदमी को लिटाते हैं टांग ऐसे ऊपर करके टेस्ट करते हैं जाकर के देखना ठीक है वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब में अभी पढ़ लो

सीमेंट को स्टोर कर ले रहे हैं ठीक है स्पर्म्स को और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा रहे हैं है ना मतलब वो लोग बाहर ही अपना बढ़िया स्पर्म ओबम मिला दे रहे हैं और टेस्ट ट्यूब में बच्चा पैदा करा दे रहे हैं इंसेमिनेशन का मतलब होता है फीमेल या राइट अट्रैक्ट में स्पर्म का जाना ये सब आर्टिफिशियली कर रहे हैं ये लोग ठीक है जस्ट लाइक स्टोरिंग सीमेंट और स्पर्म ऑफ एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वैसे ही बेटा प्लांट के पोलिन ग्रीनस को भी स्टोर किया जा सकता है और फिर नंबर ऑफ स्पीशीज़ फॉर ईयर्स बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके पोलिन को बहुत सारे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हैं जैसे कि देखो और फिर स्टोर करके फ़ायदा क्या होगा पोलिन बैंक्स में क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में काम आएंगे देखो सीड बैंक्स भी होते हैं कई कह, कई सारे स्पीशीज़ के सीड को स्टोर करके रखते हैं वैसे ही पोलिन को स्टोर किया फिर जब क्रॉस ब्रीडिंग कराई जैसे क्रॉप ब्रीडिंग कराई जैसे कि मान लो ये सुपीरियर क्वालिटी का गेहूं है उसको दूसरे गेहूं के साथ मिला रहे हैं ठीक है थीके? और जो भी है अलग अलग स्पीशीज का स्टोर कर रहे हैं ठीक है थीके? जो कोई भी मटर मटर पर्पल वाले फूल वाले फूल का सफेद फूल वाले मटर के साथ बच्चा पैदा करा रहे हैं या फिर दो दो स्पीशीज ही अलग हैं दोनों के बच्चे को पैदा करा दिया ठीक है जैसे ब्रोकली ब्रोकली अलग अलग डिजाइन का मिक्स कर दिया ठीक है तो दो अलग अलग सब्जियों का बच्चा पैदा करा दे रहे हैं ठीक है थीके? तो क्रॉप ब्रीडिंग कर रहे हैं है ना उस समय वो पॉल का यूज कर सकते हैं जो स्टोर हुआ है ये क्या है बेटा ये मधुमक्खी ये एक फूल पे गई वहां बैठी जो भी पॉलिन मिला इसे लेके आ गई और ये दूसरे पॉलिन बैंक में आई है यहां बड़ी मधुमक्खी को बोल रही है देख भाई मैं पॉलिन लाई हूँ ले लो ठीक है और रखो इसको काम आएगा अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई बेटा पॉलिन को स्टोर किस टेम्परेचर पे करते हैं और किसमें करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड ठीक है तो माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन में और ये है बेटा सौ टक्का इंपॉर्टेंट यही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाँ सौ टक्का इंपॉर्टेंट पॉलिन ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन और वो भी इस खतरनाक वाले टेम्परेचर में ठीक है और इतनी ठंड में प्रिजर्व करने को क्रायो प्रिजर्वेशन प्रिजर्व कर रहे हैं क्रायोमन मीन होता है बहुत ही ठंडा टेम्परेचर एकदम ही ज्यादा ठंडा तो एकदम ठंडे में स्टोर कर रहे हैं ठीक है थीके? तो उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन ठीक है बेटा इतना ही था होप समझ में आया होगा बाय